माया नगरी मुंबई में अक्सर ही कुछ न कुछ खास होता रहता है और इस बार मौका था अनुराग कश्यप की अगली फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का, यानी रमन राघव 2.0 के लॉन्च का। इस ट्रेलर लॉन्च के दौरान मौजूद थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विकी कौशल, फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट। फिर सवाल जवाब के दौरान अपने किरदार की तैयारी के लिए क्या किया नवाज ने, सुन लीजिए। मेरा प्रोसेस मोस्टली जो है डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो जैसा, और कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर खुद बताता है कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, और वो ऑन द स्पॉट जो डायरेक्टर बताता है आपको उस तरीके से करते चले जाओ। मेरी अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ही मोटी बुद्धि का हूँ, तो जो मुझे डायरेक्टर ने बताया वो उसको करने की कोशिश, ज्यादा कुछ सोचना इतना होता नहीं है। जब अनुराग कश्यप हो तो बॉम्बे वेलवेट का जिक्र जरूर होता है, और सुनिए बॉम्बे वेलवेट के फेलियर के बारे में क्या कहना था अनुराग का। No, I think when a film fails, it's 100% the director's fault. It's nobody's fault. So if Bombay Road didn't work, it's entirely my fault. Because the director is the only one who has the power to say no. And बहुत जगह जहाँ मुझे मना करना चाहिए था या no करना चाहिए था, stand लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, तो गलती सिर्फ मेरी। जब फिल्म अच्छी होती है तो उसमें contribution सबका होता है। रमन राघव की तैयारी कैसी रही इसके बारे में विकी कौशल ने हमें बताया। आलोक भाई, मैं तो यही सीख रहा था फिल्म कैसे बनती है, मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं कभी सेट पे नहीं गया था उससे पहले, तो फिल्म कैसे बनती है, डायरेक्टर कैसे होते हैं, एडीज क्या होते हैं, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, एक्टर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वही सब सीख रहा था। वेल, रमन राघव 2.0 का ट्रेलर लॉन्च तो हो चुका है और इसका ट्रेलर काफी अनोखा भी दिखाई देता है। अब ये देखना खास होगा कि आने वाले दिनों में जब भी ये फिल्म रिलीज होगी तो दर्शक इससे खुद को कितना कनेक्ट कर पाते हैं।